हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। जो प्रीवियस लेक्चर हुए जैमें अस इंट्रोडक्शन किया तो वैक्टर्स आर एडेड बाय मीन्स ऑफ टू मेथड ग्राफिकल हो एनालिटिकल मेथड। ठीक है ना। अच्छा, सब का पैं पान थोड़ा ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वैक्टर एडिशन के डिस्कस कंदी उन पा ईंदी एनालिटिकल मेथड। ठीक है। अच्छा, मूँ सिंपल रूल बुधा छो तो फर्स्ट वैक्टर के या फर्स्ट वैक्टर से सैकेंड वैक्टर एड कर या फर्स्ट वैक्टर के हेड से सैकेंड जो टेल रखो, सैकेंड के हेड से थर्ड जो टेल रखो एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल्स वैक्टर जो भी तनल उन्होंने तरीके से एड कदा वनो रिजल्टेंट को इंदो, उन रिजल्टेंट के भी पान स्टार्टिंग पोजिशन का एंड पोजिशन से पान खी उन्हें हेड कदी। ठीक है। हाँ, इन हेड टू टेल रूल के अज पान थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कदी। इन जो कुछ एमसीक्यूज ये पान डिस्कस कदी तो इनके थोड़ा डिसी वो। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एमसीक्यूज है इन ग्राफिकल मेथड जो जो तमाम सिंपल कर पा वूँ था इनके थोड़ा दिसद। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूव 8 किलोमीटर टू ईस्ट देन 6 किलोमीटर टू नॉर्थ। ओके, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार इज डैश। हाँ, इनमें कुछ ऑप्शन्स हैं, तेजे तरीके से इनके ऐसी वो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दिसो इतने तुम जो डायरेक्शन दियो था ना, चकन वेक्टर्स आर दोज विच आर डिफाइंड विथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो अस डायरेक्शन भी दियूं था। डायरेक्शन दियूं था जेके अवांजा सिंपल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो न्यूज आ। ठीक है। इन के बे हफ्ते पान जो डायरेक्शन कुछ मेंशन करे पो असान इन वैक्टर्स के पान में एड कंदासी। नंढी गाल बुधो बेटा। अच्छा, जेके चार डायरेक्शन तुम वो था वे डायरेक्शन पान कि वूँ। एक हों डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में छा हों साउथ। अच्छा, नॉर्थ के राइट वाले पास अवजो ईस्ट, नॉर्थ के राइट वाले पास अवजो ईस्ट ए नॉर्थ के लेफ्ट हैंड तुम वेस्ट। ठीक बेटा। हाँ, ही आम जो डायरेक्शन जो मेडिटेरन लाइन के हिसाब से वूँ था, सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से वूँ था डायरेक्शन, इन डायरेक्शन के फॉलो कदे एमसीक्यूज के थोड़ा ऐसो। ओके, लिसन, अ कार मूव 8 किलोमीटर टू ईस्ट, मतलब ईस्ट में 8 किलोमीटर की लाइन ठा। हाँ, 8 किलोमीटर की लाइन इन बोर्ड से ठाण या वहाँ पैं रजिस्टर से ठाओ डुख्य तो पान कहसी इनकी स्केलिंग क्यों था। स्केलिंग मतलब एक सिंपल सपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम यो सपोज कर स्केलिंग के हिसाब से तो 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, देन 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जेको इफेक्ट तक सेंटीमीटर में मिल फॉर वैक्टर एनालिसिस एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट वी कैन मेजर फॉर किलोमीटर। द बेटर टू रिप्रेजेंट दिस फिनोमिना बाई मीन्स ऑफ यूअर स्केलिंग, बिकॉज स्केलिंग के हिसाब से घट में घटी डायग्राम या ये शूं पा इंटरप्रेट कर सकूँ था रजिस्टर से या वरी बोर्ड से। हलो, सी, 8 किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट ही है बेटा, 8 किलोमीटर या 8 सेंटीमीटर की तुम लाइन ठाओ ईस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इन आए बेटा, तो यो थो 8 किलोमीटर ईस्ट में। अच्छा, उन 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ मन मथे मथे वो था 6 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्टली टू द नॉर्थ या मथे तुम 6 किलोमीटर माना 6 सेंटीमीटर की लाइन ठा। अना को भी वैक्टर हो तो मैं एड क्या हाँ बो को गो तो सिंपली इनके छे दियो। रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट केतो आ तो ऐसो, फर्स्ट वैक्टर के हेड से सैकेंड जो टेल अची वो, मतलब इनके पान तेज हेड टू टेल रूल चूं था, बिकॉज वैक्टर्स आर एडेड एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विथ हेड टू टेल रूल वी कैन सी। हाँ, रिजल्टन की ठाबो, टेल ऑफ द फर्स्ट वैक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वैक्टर ताई नव वैक्टर ठाओ, ये जो नयों वो वैक्टर तुम ठाओ ना, इन नए वे वैक्टर जो नालो पान रखासी रिजल्टन। हाँ, जैसे वो रिजल्टन वैक्टर ठाओ तो मुख्य ही एक राइट एंगल ट्रेंगल मिलो, इन राइट एंगल ट्रेंगल में ब साइडू तिलल बेस मिलल परपेंडिकुलर मिलल, तो यू कैन कैलकुलेट मेजरमेंट ऑफ हेपाटिन्यूस। हेपाटिन्यूस तुम मालूम कर सो,
अच्छा पैथागोरस थ्योरम याद कयो जेको तांखे पढ़ायल आहे तांखे मूं ॿुधायो हुयो एग्जैक्टली त पैथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल करे पाण इहो करे सघूं था ऐं पैथागोरस छा थो चवे त हेपाटेनियस इज़ इक्वल टू रेडिकल ऑफ बेस स्क्वायर मतिलब 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतिलब 6 स्क्वायर हाणे हिनखे तव्हां सॉल्व कयो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 ऐं 100 जो रेडिकल घणो थियो 10 ऐं योर वैल्यूज़ आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर त योर आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर टू त 10 किलोमीटर तव्हांजो करेक्ट आंसर आहे पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हिते तव्हां हीउ बि लिखियो आहे एन ई माना नॉर्थ ईस्ट ई एस माना ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ओके स्टूडेंट हाणे हीउ जेको रिज़ल्टन वैक्टर जो ग्राफ तव्हांखे मिलियो आहे या रिज़ल्टन वैक्टर जो हीउ जेको एरो आहे ही छाजे विच में थोरो ॾिसो हिन डायरेक्शन में आहे हिन डायरेक्शन जो मतिलबु आहे रिज़ल्टन वैक्टर जो जेको एरो आहे दैट लाई समथिंग इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट ठीकु आहे समथिंग इन बिटवीन लाज़मी नाहे 45 डिग्री ते हुजे हीउ कहिड़ी एंगल ते हूंदो इहो असां ॿुधाए सघूं था पर बहरहाल मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो त हीउ अव्हांखे नॉर्थ ऐं ईस्ट में मिले थो पियो ऐं इन जो करेक्ट आंसर थींदो 10 किलोमीटर नॉर्थ ऐं ईस्ट ऑप्शन ए ठीकु आहे अच्छा जेकॾहिं पुछे एग्ज़ैक्टली त सरी डायरेक्शन छा आहे हाणे हीउ थी वियो नॉर्थ ईस्ट माना जनरली पर जेकॾहिं पुछे ॿुधायो त एग्ज़ैक्टली या एंगल केतिरी आहे त एंगल कढे सघिजे थी हालांकि हिन ऑप्शन में पुछियो न आहे पर जेकॾहिं हिन एम सी क्यूज़ में हीउ थोरो तव्हांखे कॉम्प्लीकेट करे त करे सघियो पिए अच्छा हुनजे लाइ छा कंदासीं पाण पुटु हिन एंगल जी मेजरमेंट कंदासीं हीउ एंगल केतिरो आहे पाण मेजर करे सघूं था त ॾिसो थीटा मालूम करिणो आहे ट्रेंगल जे प्रॉपर्टी जे मुताबिक़ तव्हांखे छा मिलियल आहे बेस मिलियल आहे ॿियो छा मिलियल आहे परपेंडिकुलर मिलियल आहे हाणे उहो कहिड़ो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आहे जेको परपेंडिकुलर ऐं बेस खे रिलेट थो करे दैट इज़ द टेंजेंट थीटा त यू कैन से टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अच्छा परपेंडिकुलर घणो 6 बेस घणो 8 ईअं न हाणे इनखे तव्हां सिंप्लीफाई कयो त घणो थियो 2/3 थीटा घणो आहे त थीटा वुड बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 इहो थियो त इनस्टेड ऑफ जनरल डायरेक्शन हेयर लाइक नॉर्थ ईस्ट यू मे बी गिवन द डायरेक्शन 10 किलोमीटर एट एंगल ऑफ 10 इनवर्स 2/3 पोइ पाण इहो टिकंदासीं बी में वरी मिलियल आहे 10 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 3/2 त वरी उहो तव्हां कोन कंदो अच्छा हीउ स्टैंडर्ड एंगल जेकॾहिं हुजे आहे न त असांखे बग़ैर कैलकुलेटर जे मिली वञे आहे मिसाल तौरु हिते जेकॾहिं 1 हुजे आहे पुटु मुंहिंजे ॻाल्हि ॿुधो जेकॾहिं हिते 1 हुजे आहे न त पोइ 10 इनवर्स 1 असां 45 चऊं त पोइ असां चई सघूं था 45 डिग्री बट डू रिमेंबर नॉर्थ ऐं ईस्ट जे विच में जेको रिज़ल्टन वैक्टर हूंदो इहो लाज़मी न आहे 45 ते हुजे इट मे बी एट एनी अदर एंगल राइट नाउ यू कैन गो थ्रो हीअ वञे एंगल 45 खां घटि आहे 45 न आहे 45 हुजे आहे त हिते 10 इनवर्स 1 अचे आहे हिते का ॿी एंगल आहे इट माई बी 25-27 समथिंग लाइक दैट त पोइ जनरली पाण जीअं त कैलकुलेटर अलो कोन्हे त हेसि ताईं जो असां डायरेक्शन बि ॿुधाए सघूं था त ॾिसो हेड टू टेल इस्तेमालु थींदो आहे ग्राफिकल मेथड में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि पुटु हिते का ॿी टफ या रफ टफ कैलकुलेशन तव्हांखे न आहे करणी ओनली यू नीड टू रिमाइंड ऑल द रूल्स ऑफ सिंपल ज्योमेट्री ज्योमेट्री जा रूल तव्हांखे अप्लाई करणा पवंदा ठीकु आहे त हीउ हिकिड़ो सिंपल एम सी क्यूज़ हो जेको पाण हेड टू टेल जे हिसाब सां करे वठूं था अच्छा साॻी तरीक़े सां हिकिड़ो वरी ॿियो एम सी क्यूज़ आहे हिन साॻी लेवल जो हिकिड़ो पाण ॿियो कयूं थोरो क्लियर थी वञे न फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय मूव ओके अ बॉय मूव 6 किलोमीटर टू या भला ईंदा कयूं अ बॉय मूव 3 किलोमीटर टू ईस्ट पहिरियां वञे थो ईस्ट में अच्छा उनखां पोइ पाण हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि था कयूं 8 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड फाइनली 3 किलोमीटर टू ईस्ट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉय इज़ हाणे हिन में चंद ऑप्शन्स आहिनि तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां पुटु इहो कैलकुलेट करे वठो लेट मी डिफाइन सम ऑप्शन 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट बी
16 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 14 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड हेयर वी हैव नन ऑफ दिस। हाँ अच्छे तो पा इनके थ्रू डिस्कस क्यों हाँ इनमें कड़ी गाल करे तो यो पा ऐसू था। अच्छा ऐसो यू नीड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ लाइक नॉर्थ ईस्ट विद साउथ। ओके रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, बिल्ड अ डायग्राम। 3 किलोमीटर वो तो क्या बेटा ईस्ट में, ईस्ट एना हों अकॉर्डिंग टू सिंपल डायरेक्शन रूल। सो केतो वो 3 किलोमीटर केदा पुट ईस्ट में, ही रो हमारे ईस्ट। ओके अच्छा देन यू मूव 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ माना मथे 8 किलोमीटर तक मथे वो था मतलब 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू सिंपल स्केलिंग यो ठाओ 8 किलोमीटर थी। अच्छा देन 3 किलोमीटर टू ईस्ट अगेन, वरी ईस्ट में वो था 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वरी तक ईस्ट में वो था इतने तक बी रो बुधायो तो डिस्प्लेसमेंट केतरो मतलब वेक्टर ए जे हेड ते बी जो टेल, बी जे हेड ते सी जो टेल, टे वेक्टर तक एड गया हेड टू टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इतना का हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तीन ही जो तक नई लाइन ठाणी पवी दैट इज वॉट यू से रिजल्टेंट वेक्टर तक पुछो वो तो यो रिजल्टेंट वेक्टर केतरो ठाणो। अच्छा पुट मुझा जैसे मु ही रिजल्टेंट वेक्टर ठाओ तो मजे की गाल बुदो तो इन रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड वेक्टर के या 8 किलोमीटर वाली लाइन के एग्जैक्टली एट द मिडिल इंटरसेक्ट किया ठीक है। अच्छा जैसे एग्जैक्टली एट द सेंटर इन इंटरसेक्ट किया इनजो मतलब आ 8 किलोमीटर वाली लाइन ब हिस्सन में थी वही बेटा मतलब 4 किलोमीटर ही थी वो अवजो 4 किलोमीटर ही थी वो। इट मीन्स वी गॉट टू राइट एंगल ट्रेंगल, ब राइट एंगल ट्रेंगल मिले एक राइट एंगल ट्रेंगल अवजो ही जैमें बेस परपेंडिकुलर 3-4 बो राइट एंगल ट्रेंगल ही जैमें बेस परपेंडिकुलर 3-4 तो रिजल्टेंट वेक्टर कड़ो आ रिजल्टेंट वेक्टर कड़ो पुट रिजल्टेंट वेक्टर न सिर्फ इन जो हेपाटिन्यूस आ प्लस में इन जो हेपाटिन्यूस आ। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि रिजल्टेंट वेक्टर तांखे जेको मिले हो उन में एकड़ो हेपाटिन्यूस इन ट्रेंगल जो आस तई बो हेपाटिन्यूस इन ट्रेंगल जो आ। सो अगेन यू नीड टू गो थ्रो पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस यूज कर। अच्छा पैथागोरस के मुताबिक इन जो रिजल्टन जो मैग्नीट्यूड कटो इन जो। अच्छा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हेपाटिन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर रेडिकल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ही घणो थी 9 + 16 = 25 रेडिकल ए 25 रेडिकल माना 5 किलोमीटर थो एग्जैक्टली साग्यो 3² + 4² ही भी थी 5 किलोमीटर। हाँ 5 किलोमीटर हेपाटिन्यूस तक मिले 5 किलोमीटर हेपाटिन्यूस बो मिले तो टोटल अवे घो मिले पुट 10 किलोमीटर मिले बाबा मुझा तो अस जनरली गाल कहीं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो कवर थो दैट इज 10 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर की जी लाइन आड़े डायरेक्शन के विच में आने हिसाब से है न इन हिसाब से इनजो मतलब आ यो नॉर्थ ही ईस्ट के विच में आ। सो योर करेक्ट आंसर 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ओके सो हेयर यू गो थ्रू व्हाट इज योर करेक्ट आंसर हेयर 10 किलोमीटर पर नॉर्थ वेस्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इनजो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ ठीक न। तो हेड टू टेल रूल में इन तरीके से अवा का गालू कर सके तो हलो भले एक अना बो पा क्यों तो वरी फर्दर पा ऐसू। फॉर एग्जाम्पल एक वरी बो अ बॉय मूव 10 किलोमीटर टू ईस्ट 5 किलोमीटर टू नॉर्थ फाइनली 3 किलोमीटर टू वेस्ट then resultant displacement is मतलब कदें कदें वरी हिं पुछा करे सके तो रेंडम वैल्यूज मु क्या हलो हाँ खबर इनके करण पवो पुट इनके तुम ध्यान दियो पे तक डायग्राम डेवलप करणो तो ये वेक्टर्स एडिशन से क्यों कि था
10 किलोमीटर ईस्ट में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर जितना लाइन ठाओ। ओके, ये 10 किलोमीटर, ठीक है, बिलीव इन योर कैलकुलेशन ऑलवेज, है ना। अच्छा, देन 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ माना मथे 5 किलोमीटर तक नॉर्थ में वनो, हेयर वी गो। अच्छा, देन 3 किलोमीटर टू वेस्ट, वेस्ट वरी वापस है ना, 3 किलोमीटर टू वेस्ट, हेस ताई थी। अच्छा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केतरो थियो, जडे मु ही डायग्राम ठायो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट असा के छा मिलियो, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ही जेको ताके वेक्टर मिलियो ही असा जो रिजल्टेंट वेक्टर आ। अच्छा, जने ही रिजल्टेंट वेक्टर पा ठायो ना तो दसो अजीब एकरो डायग्राम ठायो, न ट्रायंगल पे उठे डायरेक्ट, न वरी अवां जो को स्क्वायर वगैरह ठाए पियो, तो पो हाने पाण छा कंदासी इन मां रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ठाईंदासी, ठीक आ। छकन द बेसिक ज्योमेट्री जा जेके रूल आ न ओ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ते तमाम इजी वे में या तमाम सिंपल वे में अप्लाई करे सकन ता, तो ट्राई टू यूज द फिनोमेना ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, हलो ठाए सकन ता। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर जला समझो तो हितां ता एकड़ो परपेंडिकुलर ठायो, थोड़ी देर जला समझो तो ता ता एकड़ो परपेंडिकुलर ठायो। अच्छा, जेकने मु ही परपेंडिकुलर ठायो तो इन परपेंडिकुलर वाली लाइन इतने इंटरसेक्ट कर, तो ही तक रेक्टेंगल ठही मिलो या ना पुट, एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल आन, ही थ्री आ तो ही भी थ्री आ डेफिनेटली। ओके, ही फाइव आए तो सामू वारी साइड भी फाइव आ। ओके, हलो भला पो सर ही घनी होंगी, वेरी सिंपल, हाँ टोटल लेंथ ईस्ट में हुई 10, उनमें 3 किया माइनस, बाकी घना बचा 7, तो ही 7। हाँ तहाँ के रिजल्टेंट वेक्टर खपे, मतलब ही ब्लू लाइन खपे ना, तो तहाँ ही ट्रायंगल वो एंड ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के फॉलो कदे पा चे सकूँ था रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ऐसो पुट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इन ट्रायंगल जो ही बेस घो आ 7 आ ना, तो 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 स्क्वायर 49 प्लस 25, तहाँ इन तरीके से करे वो इनके जब डिस्कस किया था 25 में ही पान में एड कर 74 अवानो आंसर आयो, जी तो परफेक्ट स्क्वायर को डायरेक्ट को तवजा ऑप्शन भी उन मुताबिक हों, एप्रोक्सीमेटली 8 समथिंग आ, 64 का मथे आ एंड 9 का घटा, 81 जो 9 होंगे 9 का थोड़ा घटा, तो इट कैन बी लाइक 8.6 समथिंग लाइक दैट, तो मोस्ट एप्रोक्सीमेट जो होंद पा उनके टिकंदी, ठीक बचा। एकड़ो तरीको हो तो ये अवं खुआारी कर, बो तरीको हो डायरेक्ट पकड़े सके तो ऐसो ना, 10 किलोमीटर अवं ईस्ट में वह। ओके, अच्छा 3 किलोमीटर वेस्ट में वह, मैं अपोजिट में वह ना, मां ईस्ट में वहां वरी वापस अचा, माना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट असा माइनस क्यों ना, 10 वे आयो ईस्ट में वरी 3 वापस आया हो, इनजो मतलब आ 3 वापस आया हो तो वो माइनस क्यों ना, तो बाकी घणो बचो 7 बचो ना, यह गल तो सवेर भी कही है, हाँ भी कही है, नॉर्थ में तो वरी साउथ में कौन वे आयो, उनके तां एज इट इज 5 करे वठो, डायरेक्ट भी करे सकजे थो, अदरवाइज तां इन तरीके से करे वठो था, ठीक है पुटु। तो हेड टू टेल रूल के यूज करे पान इं भी करे सकूं था। हलो वरी एकड़ो बियो एमसीक्यूज, फॉर एग्जांपल फॉर 3 वेक्टर ए बी एंड सी एक्सप्रेस्ड एस ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, देन टिक द करेक्ट फॉर गिवन एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर। हाँ इनके थोड़ो ऐसी वो तो आज कुछ ऑप्शन्स लिखी वा पुट, फॉर एग्जांपल ये आई ऑप्शन ए, ओके ऑप्शन बी,
ओके थर्ड ऑप्शन सी इन द सेम वे ऑप्शन डी ऑप्शन डी वरी पानी इंदा पे हलो बुधो जेकने ए बी आई सी इन तरीके से रिलेटेड हुजन अच्छा ही एक दफो आया ला एनटीएसई टेस्ट में ही क्वेश्चन आया ला एड़े ही किस्म जो जेकने टे वेक्टर हुजन ए बी आई सी जेके इन तरीके से रिलेटेड है ठीक है बुधायो तो वो केड़ो डायग्राम आ जेको वेक्टर्स एडिशन के सही एक्सप्रेस करे पियो मतलब आउट ऑफ दीज फोर वॉट इज द करेक्ट आंसर या कड़ो ऑप्शन आ जैमें त वेक्टर सही तौर पर पान में एड कया हि जी मुख्तलिफ ऑप्शन ऐसे वेक्टर ए बी सी अवे राइट ट्रेंगल ट्रेंगल में इतने भी आन वेक्टर ए बी सी राइट ट्रेंगल ट्रेंगल में इतने भी आन वेक्टर ए बी सी अवे राइट ट्रेंगल ट्रेंगल में इतने भी आन इतने भी आन हलो हाँ खबर अच्छा ए माइनस इज इक्वल टू बी हाँ एक मिनट मैं एक्सप्रेशन से बाद में चाहो पैर तक हर ऑप्शन बुधाया तो ऑप्शन कड़े हिसाब से लिखल है हलो पैर ऑप्शन तक क्लियर कर दें अचान तो इन क्वेश्चन के लॉजिक से एक मिनट पैर ऑप्शन छो चवे पैर ऑप्शन में डायग्राम के पढ़ो छो चवे ए का स्टार्ट कर ऑर्डर के पा फॉलो था क्यों अच्छा ए जे हेड से बी जो टेल है पुट एक हेड से बे जो टेल माना एड थल हलो बी जे हेड से सी जो टेल है मन बी से वरी सी बेड थल इन जो मतलब ए एड थल बी सा ए बी वरी एड थल सी सा अच्छा इन डायग्राम में किथे टेल या ब हेड ना मन इन डायग्राम में रिजल्ट ना है ही कौन या भला बेन लफ्जन में चूं तो इतने थल है ए एड थल बी सा ए बी सा वरी सी एड थल रिजल्टन वेक्टर की ठाबो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर मजे की गाल यह थी तो टेल ऑफ ए एग्जैक्टली उते ही जिते हेड ऑफ लास्ट वेक्टर आ तो रिजल्टन तो ठहल ही को ना इन जो मतलब अस ची सकूँ इन इक्वेशन के मुताबिक रिजल्टन वेक्टर जीरो आ बट डोंट से कि दैट इज अ नल वेक्टर ही नल वेक्टर ना है सिंपली रिजल्टन जीरो आ पहली गाल हलो बी के चेक क्यों बी पे बुधाई पा सवाल के बाद में चाहूँ बी चाहो जो ऑर्डर के फॉलो कर ए जे हेड से बी जो टेल आए ओके माना ए इज एडेड विथ वेक्टर बी ओके वरी बी जे हेड से सी जो टेल आए नो नो मतलब बी इज नॉट एडेड विथ सी तो भला ऐसो फर्स्ट वेक्टर जो टेल या फर्स्ट वेक्टर जे टेल ते ब टेल अची है ना माना बे वेक्टर जो टेल आए एंड दैट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ योर रिजल्टेंट अच्छा बी वेक्टर जे हेड ते वरी बियो हेड आए दैट इज द टर्मिनल पोजिशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन के जिते ब टेल हुजन उतां खां जिते ब हेड हुजन इहो वेक्टर तव्हांजो रिजल्टेंट चवराइबो आहे तो हियर यू कैन से दिस डायग्राम शो के ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओके स्टूडेंट गो थ्रू द थर्ड ऑप्शन सी हलो सी के ॾिसूं था वेक्टर ए जे हेड ते बी जो टेल आहे नओ 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 ए इज नॉट एडेड विथ आइदर ओके देन मूव भला बे पासे था वञूं वेक्टर बी जे हेड ते सी जो टेल आए नओ इतम कौन थे हलो सी का फॉलो कर वेक्टर सी जे हेड ते को बियो टेल आए यस मतलब नाउ वी कैन से सी इज एडेड विथ बी ठीक है हियर वी कैन से सी इज एडेड विथ बी ओके रिजल्टेंट की ठाबो आ जितां ब टेल हुजन उतां खां जितां ब हेड हुजन ओस ताईं जेका नई लाइन आ जेको डायरेक्ट वेक्टर आ वो तव्हांजो रिजल्टेंट आ इट मीन्स सी प्लस बी इज इक्वल टू ए ऑप्शन सी इहो थो चवे हलो हाणे डी ते अचूं डी में डी केतिरो ॾिसो ए जे हेड ते ॿिए वेक्टर जो टेल बिल्कुलु आहे मतिलबु ए इज़ एडिड पक सां ए एड कयल आहे जंहिंजो टेल आहे उन सां एड थियल आहे हलो सी जे हेड ते बे जो टेल नओ सी इज़ नॉट एड इज़ आइदर त पोइ ॾिसो त ॿ टेल आहिनि किथे यस उतां खां ॿ किथे हेड आहिनि यस इहो जेको डायरेक्ट वेक्टर हूंदो आहे न इहो रिज़ल्टेंट आहे त चई सघिजे थो हिते अव्हांजो रिज़ल्टेंट वेक्टर कहिड़ो आहे बी ठीकु आहे हाणे हलूं था पाण पंहिंजे एक्सप्रेशन जे मुताबिक़ ओके पंहिंजी एक्सप्रेशन में चवे थो ए माइनस सी इज़ इक्वल टू बी ओके
ए माइनस ई मतलब वेक्टर जी सब्ट्रैक्शन जी गाल भी थे सर वो सब्ट्रैक्शन तां पढ़ाया ही कोने को नंबर वन नंबर टू असां के जदे सी जी खबर ना सी केड़ो आ चकन सी में डायरेक्शन मटायो किथे की बेडियो किथे की बेडियो जेकने तां के सी जी खबर ही कोने को तवा उन जो नेगेटिव की दा आइडेंटिफाई करे सको डायरेक्टली हम नथा करे सके ना इनजो मतलब यो तो जेकने हेड़े किस्म जी तासा मस्ती करे तो एंट्री टेस्ट वारो तो पहरी ता इन इक्वेशन के सिंपलीफाई करे ई लिखी सको दा किया ए रखो सेम भला माइनस जो सी राइट हैंड साइड ते जेकने मा ट्रांसफर कया तो प्लस ही ना सो कैन आई से ए इज इक्वल टू माइनस जो सी राइट हैंड साइड ते वे प्लस जो सी थयो ऑलरेडी अवां जो बी यो सागे पियो इन जो मतलब ही एक्सप्रेशन या हन में को फर्क नाही रिमेंबर मतलब अवां का पुछल आए त हन एक्सप्रेशन या हन एक्सप्रेशन जे मुताबिक केड़ो ऑप्शन आ जेको वेक्टर जी एडिशन के शो करे तो So do remember what you need actually, C plus B. C is added as B. In turn, A is the resultant. Okay. So, avan je samu mujhe bachya likhyo pya. Kedo correct answer thiyan kape? That is the third option, C. So, here you go through. Avan jo option C correct answer. Okay. Hikro beo simple MCQs kanda si. Hikro beo simple kanda si. If three vector... A, comma B and C are three sides of a triangle, then their resultant of addition will be dash. Okay. हाणे अचूं था हिन में कुझु ऑप्शन्स आहिनि इहे ऑप्शन पाण खे ॾिसणा पवंदा ऑप्शन ए ए प्लस बी प्लस सी ओके थ्री ए और थ्री बी और थ्री सी ए और बी और सी ऐं हिते भले तव्हां ज़ीरो लिखो तव्हांजो फेवरेट आंसर ज़ीरो अच्छा बच्चा इन के तां थोरो ॾिसो टे वैक्टर आहिनि इहे टई वैक्टर ट्रैंगल खे शो कनि था ॿुधायो तुंहिंजो रिज़ल्टनि छा थींदो इहो तव्हां खां पुछियलु आहे हाणे असां हिकिड़ी जनरली ॻाल्हि कयूं था पहिरें ट्रैंगल ठाहियूं था ट्रैंगल हिकिड़ो पाण डेवलप कयूं था अच्छा लाज़मी न आहे इक्वलेटरल ट्रैंगल खणूं छाकाणि त असांखे जनरल ॻाल्हि कयल आहे त कहिड़ो बि हिकिड़ो ट्रैंगल मूं खयों ओके अच्छा ट्रैंगल जूं टे साइड चवे थो टे वैक्टर्स आहिनि ए बी सी हलो हिकिड़ो वैक्टर ए हिकिड़ो वैक्टर बी हिकिड़ो वैक्टर सी माना इहे वैक्टर ई एड था कयूं अच्छा टई एड था कयूं ॾिसो चवे थो ऑल आर एडेड रिज़ल्टनि हिननि टिनी में कोई कोन्हे को त पोइ ज़ाहिर मां ईअं कयां न यार डायग्राम ई ठाहियां न बाबा हेड ऑफ द फस्ट वैक्टर ते सेकेंड जो टेल सेकेंड जे हेड ते थर्ड जो टेल मां ई कयां न अंडरस्टूड आहे ओके दे आर एडेड इन दिस वे नाओ रिज़ल्टनि छा थींदो इहो चयल आहे ॿुधो पुटु रिज़ल्टनि किथां ठाहिबो आहे टेल ऑफ द फस्ट वैक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वैक्टर हाणे अनफॉर्चुनेटली टेल ऑफ द फस्ट वैक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट लेक्चर कॉन्साइड विथ ईच अदर दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर सो वी कैन से फाइनल पॉइंट ऐं इनिशियल पॉइंट मैच थी वियूं रिज़ल्टनि ज़ीरो थींदो रिज़ल्टनि ठहे ई कोन थो सघे इन जो मतिलबु इहो थियो त जेकॾहिं कंहिं बि ट्रैंगल में टे साइडूं टे वैक्टर्स हुजनि इन्हनि जो रिज़ल्टनि हमेशह लाइ छा थींदो ज़ीरो ऐं हीउ जेको अंग्रेज़ी में लिखियो पियो आहे न इन जो नालो आहे लॉ ऑफ ट्रैंगल माना तव्हां खां केरु पुछे डिफाइन लॉ ऑफ ट्रैंगल लॉ ऑफ ट्रैंगल छा आहे त तव्हां चवंदो लॉ ऑफ ट्रैंगल जो मतिलबु इहो आहे ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रैंगल आर रिप्लेस्ड बाय थ्री वैक्टर देन देयर वैक्टर्स एडिशन इज ऑलवेज ज़ीरो दैट इज द लॉ ऑफ ट्रैंगल फॉर वैक्टोरियल एनालिसिस ठीकु बेटा अच्छा हाणे फाइनली हिकिड़ो मिंट अञा पाण ॿियो वठंदासीं हिन में जेके हिन जूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे अच्छा प्रॉपर्टीज़ में ॾाढी सिंपल त जेको वैक्टर्स एडिशन आहे उहा अव्हांजो कम्यूटेटिव लॉ खे ओबे करे थो अच्छा कम्यूटेटिव लॉ कीअं थोरो ध्यानु ॾियो पुटु मिसाल तौरु आउं हिकिड़ो पैरेललोग्राम खणां थो जंहिंमें हीउ वैक्टर ए आहे हीउ वैक्टर बी टू वैक्टर ए एंड बी आर टू एडजसेंट साइड दीज़ आर द टू एडजसेंट साइड देन वी कैन से ही बी आहे त साम्हूं वारो ॿ बी हूंदो ही जेकॾहिं ए आहे त साम्हूं वारो ॿ ए हूंदो हलो हुनजो रिज़ल्टनि ठाहियो टेल ऑफ द फस्ट वैक्टर खां हेड ऑफ द लास्ट वैक्टर ऐं ए प्लस बी थो कयां रिज़ल्टनि छा थींदो डायगोनल थींदो
ही डायगोनल छा जो रिजल्ट नंडा ए प्लस बी जो। अच्छा भला जे करे बी प्लस ए कयो त दसो ना बी जे हेड ते ए जो टेला मतलब इता जे करे वणो ता तो बी प्लस ए जो रिजल्ट नंडा। मजे दी गाल या थी त ए प्लस बी जो रिजल्ट न या बी प्लस ए जो रिजल्ट हिकड़े ही डायगोनल ते अचे पियो न जेकर हिकड़े ते अचे तो पान लिखी सकूं था अवां जी मर्जी आ ता ए प्लस बी कयो या बी प्लस ए कयो डज नॉट मैटर। आई बिन वेक्टर के ऐड कयो बिन के रिजल्टन ते फर्क न अचे तेन लॉ जो पान नालो रखूं था कम्यूटेटिव लॉ। एंड यूजिंग पैरेललोग्राम वी हैव प्रूव्ड सो इन जो बियो नालो असा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बचूं था वेक्टर्स एडिशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके तो पुट वेक्टर्स एडिशन कम्यूटेटिव है थोड़ा शॉर्टकट में बुधायो सागी तरीके से वेक्टर्स एडिशन आल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में यू गो थ्रू वेक्टर्स एडिशन ऑफ थ्री एंड रिजल्टेंट्स रिमेन्स अनचेंज इट मीन्स वेक्टर्स एडिशन आल्सो ओबे मतलब बी ए सी पहरियां कयो इन जे रिजल्टेंट के ए सां कयो या वरी फर्स्ट एंड सेकेंड पहरियां कयो इन जे रिजल्टेंट के सी सां कयो इन बोथ केसिस आंसर रिमेन्स सेम सो दैट इज वॉट यू से एसोसिएटिव लॉ। त ग्राफिकल मेथड्स ऑफ फैक्टर एडिशन पाण थोरो ॾिठोसीं हेड टू टेल रूल इनके अंडर एस्टिमेट न कजो कुझु शयूं तव्हांखे ॿुधायूं हर एम सी क्यूज़ पंहिंजी फिलोसफी जो हुयो हाणे हिकिड़ो मिंट तव्हां हीअ बोर्ड नोट करे वठो वरी पाण अॻिते ॾिसूं।